नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन और मैं हूं आपका दोस्त सुमित। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे एक वीडियो सीरीज शुरू किया था जिसका ये पार्ट 4 है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि TDS नहीं काटा गया, यदि TDS की कटौती देर से की गई या TDS का भुगतान देर से किया गया या फिर TDS रिटर्न देर से फाइल की गई, तो इस केस में आपको क्या इंटरेस्ट या पेनल्टी वगैरह देनी होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है कि यदि TDS नहीं काटा गया तो उस केस में क्या करेंगे। तो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो स्रोत पर कर कटौती के लिए जिम्मेदार था ऐसा करने में विफल रहता है तो मूल्यांकन अधिकारी एसेसिंग ऑफिसर के पास कर योग्य मुनाफे यानी टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए इस तरह के व्यय को अस्वीकार करने की शक्तियां होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उस समय एसेसिंग ऑफिसर के पास ये राइट होगा कि वो टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए इस तरह के व्यय को डिसअलाउ कर देगा, यानी कि जिस एक्सपेंस पर TDS कटना चाहिए था और आपने उस पर TDS नहीं काटा तो उस तरह के एक्सपेंस को वो वहाँ पर डिसअलाउ कर देगा और उतने अमाउंट से आपका इनकम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ABC लिमिटेड ने वर्ष के दौरान एक व्यक्ति को 2,50,000 रुपये का कमीशन दिया, ठीक है, और उस पर वह कर कटौती करना भूल गया। तो मूल्यांकन अधिकारी को कर योग्य मुनाफे का पता लगाने के दौरान इस तरह के खर्चों को अस्वीकार करने की शक्तियाँ होती है, यानी कि जब आप टैक्सेबल इनकम का पता लगाया जाएगा तो 2.5 लाख रुपया का एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि आपका इनकम 2.5 लाख रुपये से बढ़ जाएगा। क्लियर है। दूसरा कहता है कि यदि TDS की कटौती देर से की गई, यह कहता है कि TDS की कटौती क्रेडिट ड्यू या भुगतान जो भी पहले हो उस समय किया जाना चाहिए। अगर TDS की कटौती समय पर नहीं की गई हो तो इनकम टैक्स के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए TDS की कटौती में एक दिन की भी देरी को 1 महीना मान लिया जाता है और TDS की राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है और यह ब्याज अधिकतम TDS की राशि तक हो सकता है। तो दोस्तों, यह कहने का मतलब है कि TDS आपको कब काटना है। आप किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं वो डेट या फिर जिस डेट को बिल ड्यू होता है वो डेट, इन दोनों डेट में से जो पहले होगा उस डेट को ही TDS की कटौती कर लेनी है। यानी कि आप या तो बिल ड्यू होता है उस दिन TDS की कटौती कर लीजिए या फिर पहले अगर आप उसे पेमेंट करते हैं तो उस दिन TDS की कटौती कर लीजिए। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस समय आपको TDS की कटौती करनी है। और आप अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स के अनुसार इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए TDS कटौती में एक दिन की भी देरी को 1 महीना मान लिया जाता है और TDS की राशि पर 1% ब्याज लगाया जाता है। क्लियर। और यह ब्याज जो होता है वो मैक्सिमम TDS की राशि तक हो सकती है। सपोज कि अगर 1,000 रुपये आपको TDS काटना था और आपने नहीं काटा या लेट से काटा तो वो इंटरेस्ट की राशि 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए ABC लिमिटेड को 15 सितंबर को 25,000 रुपये TDS की कटौती किया जाना, लेकिन इसके बजाय कंपनी द्वारा 1 अक्टूबर को कटौती की गई। 15 सितंबर को कटौती करनी थी लेकिन कटौती कब की गई, 1 अक्टूबर को। तो इस मामले में 250 रुपया यानी कि 1% इंटरेस्ट का भुगतान ABC लिमिटेड को करना पड़ेगा। क्लियर। ये 25,000 रुपया का 1% इंटरेस्ट 1 महीने के लिए 250 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगला टॉपिक है कि यदि TDS का भुगतान देरी से की गई तो TDS की कटौती के बाद उस राशि को अगले महीने की 7 तारीख तक इनकम टैक्स में जमा कर दिया जाना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी जाना था, अन्यथा TDS राशि का 1.5% प्रति माह ब्याज लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो लेट कटौती पर हो या फिर लेट पेमेंट पे हो, जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो TDS के अमाउंट का लगेगा, ठीक है, और यह ब्याज अधिकतम TDS की राशि तक हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी आप TDS की कटौती करते हैं उसे आपको अगले महीने के 7 तारीख तक जमा करना रहता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं
तो 1.5% प्रतिमाह ब्याज लगाया जाता है। देखिए इसे उदाहरण से समझते हैं। एबीसी लिमिटेड ने अप्रैल महीने में 20,000 की टीडीएस की कटौती की, जिसे 7 मई तक जमा करना था। अप्रैल महीने में कटौती की गई तो 7 मई तक जमा करना था, लेकिन समय पर इसे जमा नहीं किया गया और वास्तव में इसे अगले महीने में जमा किया जाता है। तो इस मामले में क्या होगा, 20,000 रुपया का 1.5% ब्याज यानी कि 300 रुपया उस एबीसी लिमिटेड को भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। आगे है, यदि टीडीएस रिटर्न देर से फाइल किया गया। टीडीएस रिटर्न पहली तिमाही का 31 जुलाई, दूसरी तिमाही का 31 अक्टूबर, तीसरी तिमाही का 31 जनवरी तथा चौथी तिमाही का 31 मई तक दाखिल किया जाना आवश्यक। धारा 234E के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने पर जब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है प्रतिदिन 200 रुपया शुल्क लगाया जाता है और यह शुल्क अधिकतम टीडीएस की राशि तक हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि टीडीएस का रिटर्न हमें कब जमा करना है, फर्स्ट क्वार्टर का 31 जुलाई तक, सेकंड क्वार्टर का 31 अक्टूबर तक, थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर का 31 मई तक। अगर आप समय पर अपने रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो सेक्शन 234E के तहत आपको 200 रुपया पर डे फीस देना पड़ेगा। क्लियर। और यह फीस जो है वो टीडीएस की राशि तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा का ये फीस नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एबीसी लिमिटेड ने पहली तिमाही में कुल 50,000 रुपये के टीडीएस का भुगतान किया था और 31 जुलाई तक टीडीएस रिटर्न दाखिल करना था इसे, ठीक है। लेकिन टीडीएस रिटर्न 31 अगस्त को दाखिल किया जाता है, तो रिटर्न दाखिल करने से पहले कुल कितना रुपये से देना पड़ेगा, तो प्रतिदिन के हिसाब से इसने 31 दिन लेट किया तो 200 रुपये के हिसाब से 31 दिन का 6,200 रुपया इसे फीस देना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों। आगे है, टीडीएस रिटर्न को देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना। देर से रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फी तो पेमेंट करना ही है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। अगर आप टीडीएस रिटर्न निर्धारित तिथि को दाखिल करने में विफल रहते हैं तो मूल्यांकन अधिकारी यानी कि सेसिंग ऑफिसर कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक 1,00,000 का जुर्माना लगा सकता है। और यह जुर्माना धारा 234E के तहत देर से रिटर्न दाखिल करने के शुल्क के अतिरिक्त है, यानी कि आपको जो आपने जो लेट रिटर्न फाइल करने के लिए फी दिया है उसके अलावा ये इस तरह का पेनल्टी आप पर लगाया जा सकता है। और साथ ही यह जुर्माना गलत टीडीएस रिटर्न दाखिल करने पर भी लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।